गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आशीष एरन एंड आई एम ए पेरिफेरल वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन प्रैक्टिसिंग एट एरन वैस्कुलर जयपुर। आज हम बात करेंगे अबाउट अ डिजीज कॉल्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एनियुरिज्म या ट्रिपल ए। इसमें जो हमारे पेट की मुख्य धमनी होती है, जो यहाँ पे होती है, उसका साइज अपने ओरिजिनल साइज से 1.5 टाइम्स के बराबर हो जाता है। ये कई शेप में हो सकता है, सेक्युलर या फ्यूजिफॉर्म एनियुरिज्म हो सकते हैं, और ये साइज बड़ा होने से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि इसका रप्चर होना। और इसका रप्चर होना जानलेवा होता है क्योंकि ये बहुत बड़ी खून की नसें, इसका फटने से जान जाने का खतरा रहता है। या फिर इसके में जो पेरिफेरल पार्ट है उसमें क्लॉट जमता है और वो क्लॉट पैरों में जा सकता है, पैरों का गैंग्रीन हो सकता है और एम्पुटेशन की जरूरत पड़ सकती है। किडनी में क्लॉट जा सकता है या फिर मेसेंट्रिक आर्टरीज में क्लॉट जा सकता है, जिससे कि आता हुआ किडनी का नुकसान हो सकता है। और इसका इलाज है, अगर ये एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो हम वेट एंड वॉच करते हैं, रेगुलर फॉलोअप्स करते हैं। और अगर पुरुषों में इसका साइज 5.5 से बड़ा हो जाता है तो ऑपरेशन करना चाहिए, महिलाओं में 4.55 सेंटीमीटर से साइज बड़ा हो जाता है तो इलाज करना चाहिए। कोई भी एनियुरिज्म जो किस तरह की तकलीफ कर रहा है, जैसे पेट में दर्द कर रहा है, पीठ में दर्द कर रहा है, या फिर जिसकी वजह से पेरिफेरल या कोई एब्डोमिनल ऑर्गन का इश्कीमिया हो रहा है, तो उसको तुरंत ऑपरेट करना चाहिए। ऑपरेशन की कई सारी टेक्निक से आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो हमने करी है रिसेंटली, एनाकोंडा टेक्निक। एनाकोंडा एक डिवाइस का नाम है जो कि मेरिल टर्मो कंपनी द्वारा बनाया गया है, और ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है। और इसकी खास बात यह है कि जो इंफ्रारीनल नेक हमें चाहिए होता है, दैट इज स्मॉल 1.5 सेंटीमीटर के नेक में ये फिट हो जाता है, और इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। और ये हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं अभी किस तरह से एनाकोंडा हमने इम्प्लांट किया है, और उसके बाद रन लेके दिखाएंगे कि कैसे पूरा एनियुरिज्म एक्सक्लूड हो गया है। और ये बहुत अच्छी टेक्निक है, और भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं, आज हमने आपको एनाकोंडा का यूज दिखाया है। थैंक यू। ये जो डिवाइस आज हमने यूज किया है एनाकोंडा, इसमें बिना बेहोशी के और बिना बड़े चीरों के, कोई पेट पे चीरा नहीं आया पेशेंट को, छोटे छोटे चीरे हमने जांघ पे दिए पेशेंट को ताकि हम वो डिवाइस को घुसा सके उसके अंदर। और कैथ लैब के अंदर, ये कैथ लैब गाइडेंस में, फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस में भी सारा प्रोसीजर करते हैं। इसमें पेशेंट को किसी तरह की बेहोशी नहीं दी गई, और पेशेंट चल फिर के टेबल से उतर सकता है, और 2 से 3 दिन में घर चला जाएगा पेशेंट। खाने पीने का भी कोई मेजर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पेशेंट को अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखना होता है, डायबिटीज कंट्रोल रखनी होती है, और टाइम टू टाइम डॉक्टर को 3 महीने 6 महीने साल भर पे दिखाते रहना होता है। और ये इसका सफल इलाज है। पहले के जमाने में पूरा पेट चीर के ही इलाज हो सकता था इस चीज का, उसमें डेथ के चांसेस भी होते थे, ब्लड लॉस के चांसेस भी होते थे, लॉन्ग हॉस्पिटल और आईसीयू स्टे होता था। लेकिन अब नवीनतम टेक्निक के द्वारा यहाँ पे हम इस चीज का इलाज कर सकते हैं। थैंक यू।